जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं।